बरेली से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा पर हमला हो गया है। हमले की ये घटना बरेली के वीर सावरकर नगर की है। बताया जा रहा है कि साक्षी और अजितेश गुपचुप तरीके से बरेली पहुंचे थे। अजितेश के पड़ोस में रहने वाली योगिता त्रिपाठी पर साक्षी मिश्रा ने मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। साक्षी मिश्रा ने आरोप लगाया कि बरेली पहुंचने पर योगिता उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया में गलत कमेंट लिख रही थी। उन्होंने बताया कि इस बाबत पूछने पर योगिता ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मामला नोकझोंक के बाद मारपीट में बदल गया। साक्षी कहती हैं कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में साक्षी ने योगिता और उनके पति के खिलाफ पुलिस में तहरीर भी दी है। इसके साथ ही साक्षी मिश्रा ने बरेली पुलिस पर जबरन समझौता करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने जेल भेजने तक की धमकी दी थी। फिलहाल मारपीट की इस घटना के बाद साक्षी और अजितेश डरे और सहमे हुए हैं। आपसी सहमति के बाद दोनों ही परिवार में समझौता हो गया है। उन्होंने तहरीर मिलने से इनकार किया है। बरेली से न्यूज़ के लिए विकल्प उदेशिया की रिपोर्ट।